ओमती पुलिस ने उड़िया मोहल्ले 8 नल के पास दबिश देकर अधकटी हालत में एक टाटा सफारी बरामद की है। इस मामले में पुलिस ने छोटी ओमती निवासी एजाज अली कबाड़ी के विरुद्ध प्रकरण दर्ज किया है। इधर इस कार्रवाई के बाद कबाड़ी के समर्थन और पुलिस कार्रवाई के विरोध में लोग थाने पहुंच गए थे। कबाड़ी ने वाहन के दस्तावेज भी पुलिस के समक्ष पेश करने की बात कही है। ओमती पुलिस की टीम ने 8 नल के पास दबिश देकर अधकटी हालत में एक टाटा सफारी बरामद की। पुलिस को सूचना मिली थी कि 8 नल के पास दोपहिया और चार पहिया वाहनों को काटा जा रहा है। इस सूचना पर पुलिस ने दबिश दी और उड़िया मोहल्ला गली नंबर 1 से अधकटी हालत में एक टाटा सफारी को जब्त की। पूछताछ में ये टाटा सफारी छोटी ओमती निवासी कबाड़ी एजाज अली द्वारा कटवाया जाना पाए जाने पर पुलिस ने उसके विरुद्ध प्रकरण दर्ज किया है। सूचना पर मौके पर रेड कार्रवाई की गई, वहाँ पर एक अधकटी टाटा सफारी वाहन मिला, उसे मौके पर जब्त किया गया और उनके विरुद्ध जो है वैधानिक कार्रवाई की जा रही है, अभी प्रकरण जांच में है। इधर पुलिस की इस कार्रवाई के विरोध और कबाड़ी के समर्थन में कुछ लोग थाने भी पहुंचे। कबाड़ी एजाज अली ने बताया कि उनके द्वारा वाहन के कागजात और शपथ पत्र भी पुलिस के समक्ष पेश कर दिए गए हैं। उन्होंने देखा, वेरीफाई किया, बोले ठीक है भाई, आप जिससे गाड़ी खरीदे थे उनको बुला लो, वो एक बयान दे दें कि हमने इनको गाड़ी बेची, हमने उनको ही बुला लिए, महेंद्र पटेल जी को पनागर से, वो भी आया, उन्होंने भी बयान दिया, बोले साहब मेरा वाहन था और मैंने इनको काटने के लिए दिया था कि मेरा वाहन चले ना सड़कों पर, इसका दुरुपयोग ना हो, इसलिए मैंने इसको निरस्तीकरण करके इनको काटने के लिए दिया। पुलिस ने भी कागजात देखते हुए पूरे संतुष्टि हो गई उनको, तो अब वो बोले ठीक है, आपके पास कागज वागज ओके है, आप अपना वाहन ले जा सकती हो। कुल मिला के 2-3 घंटा परेशान करे, उसके बाद सारे कागजात देखने के बाद बोले ठीक है भाई, आपको सब कुछ ओके है, ऐसी कोई बात नहीं, आप अपना वाहन ले जा। भाई एजाज अली इस मामले को लेकर पहले छोटी ओमती 8 नल और उसके बाद थाने में अफरा तफरी का माहौल निर्मित रहा।